more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. करोड़ों दिल पर राज करने वाली हीना खान के फैंस के लिए एक बैड न्यूज है। जी हाँ, वैसे तो हीना ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता और फेमस भी हुई। फिर जब उन्होंने बिग बॉस में कदम रखा तो वहाँ भी उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन इस बार उनके फेमस होने की वजह कुछ अलग है। वैसे तो हीना हमेशा से ही किसी न किसी वजह से लाइमलाइट रहती हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह बिल्कुल ही अलग है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। खबर है कि हीना खान पर 12 लाख के फ्रॉड का आरोप लगा है। दरअसल एक ज्वेलरी ब्रांड ने हीना पर ये आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हीना ने उनके ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 12 लाख के गहने पहने थे, लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद भी हीना ने वो गहने नहीं लौटाए। खबर तो यहाँ तक मिली है कि उस ज्वेलरी ब्रांड ने हीना खान के घर पर लीगल नोटिस भी भेज दिया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हीना इन सारे आरोपों को गलत बता रही है। गौरतलब है कि हीना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नफरत करने वालों का ये तरीका नहीं चलेगा, इन सब के लिए कुछ नया ट्राई करो। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वातिक रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.